जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। पिछले दिनों सागर जिले के जैसी नगर के जैन मंदिर में भीषण पर्व के दौरान लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था, जिसको लेकर मंदिर के सामने रहने वाले राजकमल सोनी, जो युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष थे, उसका भाई आदर्श सोनी मंदिर के अंदर पहुंचा और लाउडस्पीकर बंद कराने को कहा। वहीं मंदिर के अंदर पूजा कर रहे जैन समाज के लोगों को धमकाया और पूजन सामग्री भी फेंक दी एवं वहां से भाग गए, जिसके बाद जैन समाज के लोगों इकट्ठा होकर बाजार बंद कराकर जैसी नगर पुलिस थाना पहुंचे और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। वहीं जैसी नगर पुलिस ने अभी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। वहीं आज बड़ी संख्या में जैसी नगर सहित आसपास के क्षेत्र के जैन समाज के लोग जैसी नगर में एकत्रित हुए और थाने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम TI हिमांशु द्विवेदी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जैन समुदाय की मांग है इन आरोपियों को न्यायालय द्वारा जमानत मिल गई, जिसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें लिखा है कि हम लोग बिल्कुल नहीं सुधर सकते, जो बने कर लो। इस तरह इन आरोपियों ने न्यायालय की अवहेलना की है, इसलिए इनकी जमानत तुरंत रद्द एवं उन्हें गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी को जो ज्ञापन दिया है उस दिन से जो वो आया है, तुरंत उसने व्हाट्सएप पर काफ़ी डाली थी जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं वापस आ गया, उसकी एक काबी भी है। दूसरी, उसने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का अपने उपाध्यक्ष, जबकि हमारे वरिष्ठ नेताओं से मेरी चर्चा हुई, माननीय आशुतोष तिवारी जी से, जिलाध्यक्ष जी से, सब ने कहा कि ये पार्टी के कोई पद पर नहीं है, वो एक फर्जी लेटर पैड बनाए, फर्जी कार्यालय बनाए हैं, तो उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने दिया। तीसरी बात, उसने आज एक जो उसमें ये भी लिखा था कि समाज के भोले वाले लोगों को गलत CCTV कैमरा और ये वो सब लिखा है, तो उसकी जांच कराने भी हम लोग आए। जानकारी मुझे लगी है कि जैन समाज वालों के माध्यम से मुझे पता चला है कि जैन मंदिर में आके किसी व्यक्ति ने इस तरह की घटना की है और व्यवहार उसका उचित नहीं था जो होना चाहिए था। मैं इस मामले को तुरंत व्यक्तिगत देखूंगी और इसमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं है, उनको SP से भी बात करूँगी। इस व्यक्ति ने भी इस तरह की घटना की है तो मैं इसमें पूरा एक्शन लूँगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति का धार्मिक आस्था है, किसी व्यक्ति को इस तरह करने का अधिकार नहीं। जिन समुदाय ने आप पर आरोप लगा है, आप पार्टी के किसी पद पर नहीं, क्या ऐसा ही? यदि ये आपको पता करना है पद पे है या नहीं है, तो माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं प्रभुदयाल जी पटेल और मोर्चा के अध्यक्ष अर्पित पांडे जी हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। एक और आरोप लगाया है कि आप लोगों को जैसी जमानत मिली, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, क्या कहेंगे इसके? नहीं, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली है। हाँ, छोटे भाई की कोई पुरानी पिक्चर थी, फोटो थी, वो किसी और ने डाली होगी, वो पुरानी है काफ़ी, छिंदवाड़ा से लौट रहा था, अब उन निराधार आरोप लगा रहे हैं लोग। आपने कहा था कि मंदिर में CCTV कैमरे लगे हैं और जैन समुदाय के लोगों का कहना कि हमारे मंदिर में कोई CCTV कैमरा नहीं लगे। ये पूरे जैन समुदाय नहीं, वो कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के नेता हैं जैन समाज में, वो इस मुद्दे को मतलब भटका रहे हैं और धर्म की आड़ लेके राजनीति करते हैं। और एक बार नहीं, कई बार, एक बार पिछली बार मतलब 4-5 साल पहले की बात है, हरिजनों पर भी यही एक्ट बनवाया था उनने, मतलब मंदिर में तोड़ फोड़ का ये सब। जैसी नगर से गुलाब कोरी की रिपोर्ट।